Hello everyone, good morning all of you. This is Nidhi Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of an academy and I welcome all of you to my today's class of newspaper analysis. Aaj 15th June, Tuesday ka din hai and a very lovely bright sunny morning. Aap log sab log kaise ho? How are you all? All well? I'm seeing a lot of people have joined. Everybody's wishing good morning to all of you, and welcome to my class. Okay, मोक्ष थोड़ा हो जाता है दो चार मिनट आगे पीछे क्योंकि कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम है कभी कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा दो चार मिनट आगे पीछे हो जाता है. ठीक है मोक्ष. ओके सो गाइज हियर वी आर. आई एम बैक अगेन फॉर न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन. न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में हम जो करते हैं सारे न्यूज़पेपर न्यूज इम्पोर्टेंट न्यूज कवर करते हैं जो आपके करंट अफेयर्स को अपडेट करता है. This is going to be useful for all the law entrance exam aspirants and any other law entrance exam aspirants who is preparing for current affairs section. On sabhi ko ye this session is going to be very helpful. Okay, so जल्दी से आप लोग को एक काम छोटा सा करना है जो मैं रोज बताती हूँ. शेयर बटन क्लिक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर लीजिए अबाउट दिस क्लास सो दैट उनको भी हेल्प हो उनका करंट अफेयर्स अपडेट करने में. ऑलराइट सो एंड Until then, मैं जल्दी से अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन और आना अकेडमी के बारे में दे देती हूँ. तो गाइस आई एम निधि ध्रुव, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी. आई एम हैविंग 8 प्लस इयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स. आई वाज अर्लियर एसोसिएटेड विद एमएस लर्निंग, नाउ आई एम स्टिल एसोसिएटेड विद सीएस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट वेयर आई टीच लॉ सब्जेक्ट्स टू सीएस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट्स एंड आई रियली लव इंटरेक्टिंग विद ऑल द लवली लवली स्टूडेंट्स लाइक यू एंड शेयरिंग माय नॉलेज. या गाइस दैट्स मी. अन अकेडमी आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसके फीचर्स जान लीजिए. इट्स वंडरफुल प्लेटफॉर्म इन टुडेज डे. कभी भी लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो. बेस्ट एनएलयू एल्यूमनाइज पढ़ाते हैं आपको. नेशनल मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट का एक्सेस है. अनलिमिटेड क्विजेज मॉक टेस्ट का सीरीज है. वीकली इवेंट्स होते रहते हैं लाइक नो योर एग्जाम, टॉपर स्ट्रेटजीज, एनएलयू एल्यूमनाइज एक्सपीरियंसेस बाय फैकल्टी. तो वंडरफुल प्लेटफॉर्म इन टुडेज डे, ट्रस्ट मी. ओके इसके अलावा ये मैं बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी अभी तक आपने जिसने ज्वाइन ही नहीं किया, गो टू प्ले स्टोर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए. आपको एंटर करने के लिए कोड पूछेंगे तो निधि लाइव ये कोड आप यूज कर सकते हो एंटर करने के लिए. ठीक है अभी ये सारे बैचेस चल रहे हैं. स्कोर बूस्टर 60 डेज का एक्सक्लूसिव बैच है जिसमें आपका 60 डेज में पूरा सिलेबस हो जाएगा. असेंड 1 2023 एस्पिरेंट्स के लिए पूरा बैच चालू किया हुआ है. वीकेंड बैच, इवनिंग क्लासेस, दो साल में बहुत सिस्टमैटिक वे में आपको पूरा ये बैच कवर करेगा आपके सारे सारे करंट अफेयर्स वगैरह को. ठीक है जून मंथ के सब्सक्रिप्शन या ऑफर्स चल रहे हैं. बाय द वे आज बहुत बड़ा न्यूज आ चुका है, आपको पता ही होगा, हम बात करते हैं उसके बारे में. क्लैट एग्जाम का डेट्स आ गया है ना गाइस, तो जुलाई 23 को आपकी एग्जाम्स हो रही है, हम बात करते हैं उसके बारे में भी. तो सब्सक्रिप्शन ऑफर्स क्लैट के लिए ये है, 3 मंथ का, एटलीस्ट 1 मंथ का ले लीजिए अभी गाइस, आप लोग को बहुत फायदा मिलेगा. तो ये सारी ऑफर्स तो चल रही है. चैंपियनशिप मॉक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट भी चलती है एवरी डे. एक एक सब्जेक्ट की सेक्शनल टेस्ट भी होती है आपके लिए. और एटलीस्ट क्लैट 2021 एस्पिरेंट्स आपको बोलूंगी 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. नाउ इज द टाइम, 23rd जुलाई को तो आपका एग्जाम आ रहा है. एंड 10% डिस्काउंट के लिए सिर्फ 3500 में, उसमें भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा निधि लाइव कोड यूज करने से. जो भी 2022 एस्पिरेंट है 12 मंथ का ले लीजिए, उस पर आपको 2 महीना फ्री मिल रहा है. एंड क्लैट 2023 एस्पिरेंट्स को बोलूंगी 24 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपको उसके ऊपर 3 महीने फ्री मिल रहा है. ठीक है एंड ये सारे जो प्राइजेस है उसके ऊपर और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू यूज माई कोड निधि लाइव, रिमेम्बर दैट. ऑलराइट गाइस चलो हम लोग जल्दी से न्यूज पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. गुड मॉर्निंग संध्या, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग. मैं एकदम ठीक हूँ मालय, थैंक्स फॉर आस्किंग. हु इज दिस जिसने क्लास स्टार्ट करने के पहले ही डिसलाइक बटन हिट कर दिया. भाई आपको अच्छा नहीं लगता है तो मत आओ सेशन में, बट दिस क्लास इज फॉर फ्री एंड आपको बहुत सारा नॉलेज इसमें मिलता है, तो डिसलाइक बटन तो मत हिट कीजिए एटलीस्ट. ठीक है, बी लिटिल ग्रेटफुल एंड आपको पसंद आए तो लाइक बटन हिट करना चाहिए, बट इसमें कुछ खराब कंटेंट तो हो ही नहीं रहा है तो डिसलाइक बटन हिट करने का तो कोई राइट ही नहीं है. ठीक है ना, तो जो भी ये कर रहा है
प्लीज अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो मत आया कीजिए सेशन में. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ओके सो गाइज, हम 15th ऑफ जून ट्यूसडे के सेशन में आज न्यूज़पेपर एनालिसिस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है, सारी एक एक करके कवर करते हैं. ठीक है, सो पहला तो ये न्यूज है. सबसे फर्स्ट फ्रंट पेज पे हेडलाइन है, G7 accommodates Indian stand on need for internet cards. Okay, हम सबको पता है G7 summit हुआ UK में, and इसमें group of seven countries जो richest nations है world के, वहाँ उनकी grouping group ने, seven countries के group ने ये meeting किया, ये summit conduct किया. इसमें India को as a guest country बुलाया गया था, as a guest बुलाया गया था, and इसमें जो डिस्कशन हुई और डिस्कशन के बाद जो यू नो एक सर्कुलर जैसे हम बोल सकते हैं, आपकी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो वैसा घुमाया गया. उसमें बोला गया था स्पेशली ये ओपन सोसाइटीज के बारे में कि फ्रीडम देनी चाहिए सबको, इस बारे में डिस्कशन हुआ. और इंडिया को हिट किया गया एक चीज के ऊपर कि इंडिया में सबसे ज्यादा इन लास्ट ईयर में इंटरनेट कर्ब्स रहे हैं, फ्रीडम नहीं दिए जा रहे हैं लोगों को. जैसे हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 को निकाला गया तब से वो इंटरनेट बंद किया गया था. इंडिया के काफी दूसरे दिल्ली रायट्स हुए थे तभी भी इंटरनेट वहां कर्ब किया गया था. तो ऐसी सभी सिचुएशन में इंटरनेट बंद हुए थे. तो इंडिया में ये ओपन सोसाइटीज के ऊपर एक टॉपिक था G7 में, वहां इंडिया को हिट किया गया, एक यू नो थोड़ा क्रिटिसिज्म किया गया कि इंडियन इंटरनेट का ये जो फ्रीडम है लोगों को मिलना चाहिए ओपन सोसाइटी वाला स्टेट में, ये इंडिया को लगते हुए किया गया. जिसमें हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्टैंड लिया है इंडिया का और बोला है कि इंटरनेट कर्ब्स जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करने के लिए किए गए हैं ओवर फ्रीडम्स. देखिए, किसी को सभी को इंटरनेट फ्रीडम मिलेगा, बट इफ नेशनल सिक्योरिटी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज, नेशनल सिक्योरिटी का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो तभी ये कर्ब्स को हम इंटरनेट कर्ब्स करेंगे. तो नेशनल सिक्योरिटी को फ्रीडम के ऊपर नहीं रखा जा सकता है. पीपल विल गेट देयर फ्रीडम, बट नेशनल सिक्योरिटी का सवाल जब आता है तब हम वो फ्रीडम वापस ले सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन भी ये राइट देता है हमें. तो ये बारे में बात किया है. ठीक है, फिर भी आपको एक बार जूम करके अच्छे से दिखा रही हूँ. ये इधर ग्लोबल वरी का जो एक समरी दिया हुआ है आप देख सकते हो, इधर रीड कर सकते हो. ठीक है, मैंने जूम किया हुआ है. The statement from the G7 and guest countries indirectly addresses internet blackouts in various parts of the world, including India. तो ये G7 countries में जो internet blackouts की बात जब भी हुई तो उसमें इंडिया का भी नाम लिया गया कि इधर भी काफी internet blackouts हुए हैं. ठीक है, तो म्यांमार का भी नाम लिया गया, वहां पे भी military rule declare हो गया February 1st को, एंड उसके बाद लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ की उनके सिविलियंस एंड सिटीजन्स. तो इंटरनेट बंद कर दिया है वहाँ की मिलिट्री ने. तो ये सारी मामले में बात हुई. तो इंडिया का स्टैंड लेते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने क्या बोला वो मैंने आपको समझाया है. राइट, सो वी आर, उन्होंने ये बताया कि वी आर एट अ क्रिटिकल जंक्चर फेसिंग थ्रेट्स टू फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी फ्रॉम राइजिंग ऑथोरिटेरियनिज्म, इलेक्टोरल इंटरफेरेंस, करप्शन, इकोनॉमिक कोवर्जन, मैन्युपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग डिस इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन हार्म, साइबर अटैक्स, ये सारी चीज होती है. इसके वजह से कभी कभी हमें बंद करना पड़ता है, इंटरनेट ब्लैकआउट करना पड़ता है. तो कभी भी ह्यूमन राइट वायलेशन एंड अब्यूजेस, टेररिज्म, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, ये सब सिचुएशन में इंटरनेट ब्लैकआउट करना पड़ सकता है, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी इज अबव एनीबडी एल्सेस फ्रीडम. दैट्स व्हाट द स्टेटमेंट बाय given by the our external affairs minister Mr. S. Jayshankar. Okay, so that is one news जिसमें ये G7 summit के बारे में हम देख रहे हैं. Quite important one for your exams. Okay, अभी 3 दिन से हम लगातार G7 summit के ही news देख रहे हैं. Correct? Okay, next one हम करते हैं start. Yes, Siddhant, it UK hosted it and well done my all my students is a reply kiya. Thank you so much for replying. Tanvi is asking, did they say no need for internet curbs because of the new IT rules too? Nahi,
न्यू आईटी रूल्स का इसमें कुछ पिक्चर नहीं था, ये लोग ने ऑल ओवर वर्ल्ड के लेवल पे काफी कंट्रीज में एज इंटरनेट ब्लैकआउट हुए। जैसे हम लोग ने देखा था कि इसराइल पैलेस्टाइनियंस का जो वॉर लाइक सिचुएशन हुआ, 11 दिन तक कंटिन्यूस वो लोग एक दूसरे पे अटैक्स कर रहे थे, वहां भी इंटरनेट ब्लैकआउट हुए थे, म्यांमार में हुए। तो वैसे बहुत सारी वर्ल्ड की कंट्रीज में जहाँ पीस नहीं है वहां ये सिचुएशन हुई है, और इंक्लूडिंग इंडिया में हुई है ये सिचुएशन। तो ये ओवरऑल बात हो रही थी, नॉट रिगार्डिंग आईटी रूल्स, दे हैव नॉट मेंशन अबाउट आर आईटी रूल्स एट ऑल हियर इन G77। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो दिस वाज वन न्यूज। अनदर न्यूज इज दिस, दिस इज अनदर न्यूज व्हिच वी आर गोइंग टू सी। गवर्नमेंट रिपोर्ट फ्लैग्स लैप्सेस इन नागालैंड बैट स्टडी। ओके, तो वी ऑल नो दैट कोविड was somehow you know it's linked to bat, okay, bat ka jo ye flash hota hai uske regarding ye baat hoti hai ki corona virus wahan se phaila hua hai। kal bhi humne iske upar ek editorial padha tha covid ki ye jo research chal rahi hai। to hamare india mein jo nagaland mein ek bat ka study ho raha hai, to government ne report kiya hai, central government ne, ki usme wo log ne lapses kiya hai। जबकि नागालैंड की ये जो यू नो जहाँ पे ये बैट स्टडी हो रहा है, उन्होंने क्लियरली बताया है कि हम लोग कोरोना वायरस रिलेटेड बैट स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल कुछ अलग चीज कर रहे हैं। तो कोई लैप्स करने का सवाल नहीं, हमने कोई लैप्स नहीं किया। ठीक है, तो रोल ऑफ फॉरेन ऑथर्स अंडर लेंस अमिड सैंपल स्टोरेज रोल। ठीक है, तो इधर जो बैट के सैंपल्स लिए गए हैं उसमें फॉरेन ऑथर्स भी क्या कर रहे हैं वो भी हम ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, और एज वेल एज इंडिया में भी अभी कैसे उसकी स्टडी की है वो भी ध्यान रख रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नागालैंड में इस चीज का लैप्स हो रहा है, पर नागालैंड से उनका जो NCBS है, मतलब नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वो लोग जो ये रिसर्च कर रहे हैं, एंड टू साइंटिस्ट वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वर लिस्टेड एज को-ऑथर्स ऑफ द स्टडी, एंड इट इज पार्शियली आल्सो फंडेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। बट ये जो स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल वो कोविड रिलेटेड नहीं कर रहे, ये उन्होंने बताया है। हेल्थ मिनिस्ट्री का रिपोर्ट बोलता है कि स्टडी डिडंट हैव अप्रूवल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हमारा जो ICMR है ना, उसके थ्रू नहीं हो रहा है ये स्टडी, उनका अप्रूवल नहीं लिया गया था। जो NCBS एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कर रहा है, US फंड कर रहा है उसको, एंड वुहान के भी दो साइंटिस्ट उसमें को-ऑथर्स के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। NCBS is not equipped in terms of biosafety and biosecurity for testing samples. तो हेल्थ मिनिस्ट्री बोल रहा है, हमारा जो गवर्नमेंट है वो कि NCBS के पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है बायोसेफ्टी बायोसिक्योरिटी को के लेके टेस्टिंग सैंपल्स के लिए। तो वो लोग अटैक किया है कि वो लोग क्यों ये कर रहे हैं, ओके, क्योंकि इंडिया के गवर्नमेंट को उसको इंक्लूड नहीं किया है, एंड चाइना के वुहान के दो साइंटिस्ट और US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस उसे सपोर्ट फंड कर रहा है, तो गवर्नमेंट को वो प्रॉब्लम है। तो इधर वहां के NCBS के डायरेक्टर जो है सत्यजीत मेजर, ये लिख के रखना गाइस, दिस वन इज इम्पोर्टेंट था, ये लिखना पड़ेगा। और ये स्टैटिक के लिए हु इज द डायरेक्टर ऑफ NCBS, सत्यजीत मेयर, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ लैप्सेस, द बैड सैंपल्स वी हैव कलेक्टेड आर इनवैल्यूएबल टू रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग जूनोटिक पैथोजेंस। उन लोग, ये पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा है कि वो लोग एक्चुअली कोविड रिलेटेड रिसर्च कर ही नहीं रहे। ठीक है, ये जूनोटिक पैथोजेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए वो लोग ये कर रहे हैं रिसर्च। ठीक है, सो दैट इज अनदर न्यूज के एक ऐसे हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने NCBS और TIFR पे एक एलिगेशन किया, और उसके रिगार्डिंग क्या उनका एक्सप्लेनेशन है। आई होप इसकी डिटेल्स आपको सारी समझ में आ गई, ये लिखना पड़ेगा गाइस, मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज ऑन आर फ्रंट पेज टुडे इज दिस, LJP इम्प्लोड्स विद 5 of 6 MPs एजिंग आउट चिराग। तो रामविलास पासवान जो थे ना, जो एक्सपायर हो गए लास्ट टाइम कोविड का जो फर्स्ट वेव थे उसी में, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं रामविलास पासवान, और उनकी पार्टी जो थी लोक जनशक्ति पार्टी LJP, उसमें उनके बेटे को चिराग को फिर हेड बना दिया गया था पार्टी का। ठीक है, बट अभी 5 से 6 वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टी छोड़ रहे हैं,
उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं पार्टी प्रेसिडेंट को, सॉरी छोड़ नहीं रहे, आई एम सॉरी एम आई बैड, रामविलास पासवान की 5 से 6 जो एमपी है वो लोग बोल रहे हैं कि हम अभी पशुपति नाथ पारस जो कि रामविलास पासवान के भाई है और चिराग के अंकल है, उनको एज ए लीडर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी रखना चाहते हैं। तो एलजेपी के लीडर के तौर पे वो लोग चिराग जो सन थे रामविलास पासवान को, उनको निकाल के पशुपतिनाथ पारस को एज अ लीडर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी रखना चाहते हैं। सो दैट इज अनदर बिग न्यूज, इम्पोर्टेंट न्यूज, ठीक है, चाहिए तो लिख लेना ये वाला न्यूज भी, ठीक है, बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट एज वेल। अनदर इम्पोर्टेंट वन इज दिस, राजस्थान गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट अप बेसिक एजुकेशन बोर्ड। कांग्रेस हैड प्रॉमिस्ड इन इट्स मैनिफेस्टो, तो हमें पता है राजस्थान में मिस्टर अशोक गहलोत जो चीफ मिनिस्टर है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पे, कांग्रेस ने जब भी इलेक्शन के टाइम पे अपना मैनिफेस्टो निकाला था उसमें ही बोला था कि देवर गोइंग टू सेट अप वैदिक एजुकेशन बोर्ड इन राजस्थान। तो बिकॉज राजस्थान एक कल्चर बेस्ड स्टेट है और काफी हमारी एंशियंट चीजों को साथ में लेके चलने वाला स्टेट है, वहां पे वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड को रिवाइव करने का प्लान है गवर्नमेंट का। द नॉलेज ऑफ एंशियंट संस्कृत स्क्रिप्चर्स एंड कनेक्ट द लर्निंग्स ऑफ वेदास विद साइंस एंड योगा, तो ऐसी वैदिक एजुकेशन बोर्ड वो लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, कमिंग 4 to 5 मंथ्स में ये लोग करेंगे ऐसा बोलना है। तो दैट इज अनदर बिग न्यूज, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस, सब लोगों को फ्रंट पेज की सारी न्यूज समझ में आई, नो प्रॉब्लम मिस राजपूत। अभय एनसीबीएस का फुल फॉर्म मैंने इधर आपको अंडरलाइन करके बताया था, सो अभय आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ एनीवेज ऑन माय टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, द नेम इज निधि ध्रुव क्लैट एजुकेटर, ज्वाइन कर लीजिए और उस पर मैं ये पीडीएफ भेजूंगी तो तभी आपको लिखने को हो जाएगा, आप लिख लेना, मैंने उसमें अंडरलाइन किया है एनसीबीएस का फुल फॉर्म, ठीक है। संतोष, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट ओसवाल मॉक टेस्ट बुक एज सच, आई कैन नॉट कमेंट अबाउट इट, थैंक्स अनुष्का। सो संतोष आप देख सकते हो अनुष्का ने मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम लिख लिया है, ठीक है। शुभम सिंह महारो राजस्थान, ओके, ऑलराइट। सो ये सारी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी फ्रंट पेज से, आगे बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। सेकेंड पेज पे ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है, दिल्ली गवर्नमेंट्स क्लेम ऑन ONORC मिसलीडिंग सेंटर टेल सुप्रीम कोर्ट। ONORC क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है ना वो, सो वन नेशन वन राशन कार्ड ये जो स्कीम है ना दिल्ली गवर्नमेंट का क्लेम है उसके ऊपर, ये बिल्कुल भी मिसलीडिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये सबमिट किया है। तो बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट ने वन नेशन वन राशन कार्ड का स्कीम चला के घर घर पे डिलीवर करना चाहती थी राशन। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बोलना है कि ऐसा करने से बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, जब भी गवर्नमेंट के गोडाउन से लेके जाया जाएगा और घर पे तो बीच में काफी माल गायब हो सकता है, इसमें बहुत बड़ा स्कैम पॉसिबल है, सो ये करना जरूरी नहीं है। तो ये जो उन वो लोग बोल रहे हैं, हमने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करके हमने बहुत सारे लोगों को बेनिफिट दिया, ये बिल्कुल भी मिसलीडिंग है, वाहियात बात है, ये सच नहीं है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है। बोला है कि राशन कार्ड प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट ऑन EPOS मशीन, तो बेसिकली ये राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी जो है उसको वो EPOS मशीन्स पे बेस्ड है और उन्होंने अभी तक इसकी अंदर काम ही नहीं किया है, तो ये जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत है, मिसलीडिंग बात है, ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में, ऑलराइट। तो ये सिर्फ हेडलाइन के वे में देखना था, नॉट मच इन डिटेल। आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरे न्यूज के साथ, अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑन नाउ एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हमारा ये जो पहला वाला एडिटोरियल है
जो द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर अपना ओपिनियन लेके आते हैं अबाउट ऑनगोइंग इश्यू, ये है। ऑफ कोर्स G7 समिट के बारे में कल भी हमने देखा था, आज भी है, बट थोड़े अलग का एंगल से आज का एडिटोरियल है। तो G7 समिट ऑफ कोर्स बीइंग अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट समिट, इंडिया बीइंग अ गेस्ट कंट्री इन द समिट, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए। तो दैट इज वाई इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर योर एग्जाम्स एज वेल, आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा बाय द वे, जिसको भी नहीं पता है बता दूं, 23 जुलाई आ गया आपका एग्जाम का डेट, ठीक है, एंड इट्स फाइनल। क्लैब कंसोर्टियम ने अपनी साइट पे डाल दिया है 23 जुलाई को आपका एग्जाम हो रहा है। सो जस्ट 1 month एंड आई थिंक 1 week लेफ्ट, 1 month और ऊपर 1 week है आपके पास, बाद में आपका एग्जाम आ जाएगा, ठीक है। सो आपको 1 month में फुल जान लगा के अभी प्रिपरेशन कर लेनी है। दोज हु आर आस्किंग मी कि कहाँ से कहाँ करंट अफेयर्स पढ़ने, कितने करंट अफेयर्स पढ़ने, तो उनको मैं बता दूं कि आपको ऑलवेज अपनी एग्जाम के पहले के 12 महीने के करंट अफेयर्स कवर करने होते हैं। तो सिंस जुलाई 23 को एग्जाम हो रही है, एग्जाम के अगले दिन तक का आपको करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 week पहले तक का, क्योंकि तब तक पेपर बन जाएगा आपका। तो ये ऑफलाइन मोड में ऊपर से रखने वाले हैं, ये भी ध्यान में रखें, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम में बहुत ग्लिचेस होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो ऑफलाइन मोड में 23 जुलाई को है, तो आपको ऑलमोस्ट 15 जुलाई तक के सारे करंट अफेयर्स पता होने चाहिए। तो आप पढ़ सकते हो जुलाई 2020 से लेके जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर्स आपको सारे कवर करने होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मुझे काफी लोग पूछ रहे थे कि मैम कितने करंट अफेयर्स करें, एग्जाम का डेट क्या है, उस हिसाब से बोल सकते थे, 12 मंथ्स के करने होते जनरली। तो जुलाई 2022 जुलाई 2021 ये इतने करंट अफेयर्स आपको करने होते हैं, तो 15 जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर्स पढ़ना, और आप मे बी अगस्त से भी स्टार्ट कर सकते हो, अगस्त 2020 से लेके जुलाई 2021 तक के कर लेना, ठीक है। सो दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग आई वांटेड टू इन्फॉर्म एवरीबॉडी। अनुष्का इज सेइंग मैम व्हाट वी हैव टू राइट टुडे, स्टार मार्क किया है बेटा मैंने अनुष्का फर्स्ट पेज पे, वो जो मैंने आपको बैट की स्टडी वाला न्यूज बताया वो आपको लिखने को मैंने बोला था। रामविलास पासवान की पार्टी का नाम वगैरह नहीं पता है तो वो लिख लेना, दैट्स इट। बाकी अभी तक कुछ नहीं लिखना है, अभी हम लोग सीधा इस पे आ गए हैं, उसके अलावा क्या लिखना है मैं बता दी जाऊंगी। संतोष मैम इज इट यूजफुल टू यूज ओसवाल मॉक टेस्ट, ओसवाल मॉक टेस्ट मैंने कभी सुना नहीं है, सो आई कैनॉट कमेंट। सरोज कुमार सिंह मैम क्या 2022 क्लैट के लिए अब से न्यूज नोट बनाए करंट अफेयर्स का, यस ऑफ कोर्स यू आर लेट बेटा, मई 2021 से आपको पढ़ने स्टार्ट करने थे और मई 2021 से ही नोट्स बनाने हैं, बट सारे करंट अफेयर्स नहीं लिखने हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दी जाऊंगी वो लिखने हैं, ठीक है। सो सरोज कुमार आपने अगर नहीं देखे तो मई वाले सेशंस भी देख लीजिए रिकॉर्डिंग जाके, मई 2021 से लेके आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस रेगुलर बेस पे चालू कर देना है। मई 2020 देखिए ऑलवेज क्लैट एग्जाम है ना, इतने सालों से ट्रेंड रहा है कि सेकेंड संडे ऑफ मई ही होता है, 2 साल से बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन पूरा हिल गया है, अदरवाइज 2022 में एग्जाम्स आर गोइंग टू हैपन ऑन टाइम, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि तब तक वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ हो जाएगा, कोविड भी इतना कुछ रहेगा नहीं। तो आपको मई में एग्जाम्स एक्सपेक्टेड है, मई 2022 में, तो उसके पहले के 12 महीने मतलब मई 2021 से आपको प्रॉपर करंट अफेयर्स कवर करने हैं, समझ में आ गया सरोज। अभिषेक मैम मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स सही रहेगा, ये सेशंस ही सही रहेगा अभिषेक, आपको वो सब मैगजीन वगैरह से कितना कवर करना क्या नहीं कवर करना नहीं समझेगा, ये सेशंस कीजिए। अनएकेडमी पे बहुत सारे अच्छे अच्छे सेशंस होते हैं, मेरे भी काफी जीके के सेशंस है, काफी अदर एडुकेटर्स के भी है, वो ज्वाइन कीजिए। मैगजीन मुझे नहीं लग रहा है जरूरत है आपको, क्योंकि सारा चीज कवर नहीं होगा उससे आपका। मलय सिंह मैम इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न ऑल CM नेम्स, यस डेफिनेटली, CM यूनियन मिनिस्टर्स गवर्नर्स पता ही होने चाहिए मलय। संतोष सिंह मैम इज इट यूजफुल, अरे वापस पूछा संतोष, मैंने बता दिया आपको। मई 2021 कहाँ से मिलेगा आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस, आप अनएकेडमी क्लैट को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो हमारी चैनल है यूट्यूब, सब्सक्राइब कीजिए, फिर सारे वीडियोस देख सकते हो पहले के, तो सभी को डेट भी किया हुआ है, 1st में 2nd में 3rd में आप सारी मिलेगी। सो मंडे टू सैटरडे 6 दिन होता है ये क्लास, सिर्फ संडे वाली नहीं मिलेगी, बाकी सारी सेशंस आप कर लीजिए, रिकॉर्डिंग्स आपको मतलब इधर ही वीडियोस सेक्शन में एक चैनल पे ही मिल जाएगी, ठीक है।
अखिलेश सही मैम, जीके वैन अफेयर्स के लिए लूसिन वाली बुक सही है क्या? करंट अफेयर्स कोई बुक से नहीं पढ़ सकते हो, रोज अपडेट होती है, तो रोज न्यूज़पेपर एनालिसिस ही कीजिए, वही बेस्ट है। अनुष्का से मैम, जीके का क्लास कब से स्टार्ट होगा अनएकेडमी में 2022 के लिए? अनुष्का, आई माई सेल्फ इज प्लानिंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम जुलाई मंथ, फर्स्ट जुलाई के फर्स्ट वीक से मैं कर लूंगी। क्योंकि देखो बेटा, आपका मैंने बताया ये आगे भी मई मंथ से ही पढ़ना होता है, तो मई जून का थोड़ा कंपाइलेशन बनेगा तो हम स्टार्ट करेंगे ना। अभी तक का तो क्या हम स्टार्ट करेंगे, बैचेस भी रेगुलर बेस पे फिर होते हैं, इसलिए तो जुलाई से मोस्टली आई स्टार्ट। मिस राजपूत मैम, एग्जाम नेक्स्ट मंथ से है क्या? यस, 23 जुलाई डेट आ चुका है। मिस राजपूत, मोक्ष के मैम कुछ सीए न्यूज़पेपर में ना हो तो वो कैसे कवर करें? मैं क्लास लेती हूँ मोक्ष बहुत सारी करंट अफेयर्स की, वो आप अटेंड कर सकते हो। आप मोक्ष आई थिंक 2022 एस्पिरेंट हो, इजंट इट? तो मैं जुलाई से स्टार्ट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? ऑलराइट, चलो अभी हम लोग एडिटोरियल कर लेते हैं हमारा अच्छे से कवर। ये G7 समिट वाला जो आपका, आई एम सॉरी स्क्रॉल करना पड़ेगा, यस G7 समिट के बारे में अगेन एडिटोरियल है, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए। तो कहाँ हुआ था? लंदन में ये साल G7 समिट हुआ, सबको लंदन ने होस्ट किया, ध्यान में रखना। G7 समिट एट कार्बिस बे सेंट आउट टू वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस एंड एलाइट क्लब। एलाइट क्लब है ऑफ कोर्स सारे रिच नेशंस का, रिचेस्ट नेशंस का ये एक ग्रुपिंग है। G7 needs to be more open and less exclusive in an increasingly interlinked world. इधर एडिटर का ये ओपिनियन है कि वो लोग को ज्यादा से ज्यादा मेंबर कंट्रीज को उसमें लेना चाहिए, लेस एक्सक्लूसिव रखना चाहिए, स्पेशली ये जो बहुत ज्यादा भी इंटरलिंक्ड वर्ल्ड होता जाता है इसमें बहुत जरूरी है ऐसा। तो दो स्ट्रॉन्ग मैसेज G7 समिट में मिले। पहले तो जो यूएसए की न्यू प्रेसिडेंट जो बिडेन है, जोसेफ बिडेन जो है, उन्होंने वाव किया कि अमेरिका इज बैक टू टेक द लीड ऑन ग्लोबल चैलेंजेस। तो ग्लोबल चैलेंजेस कोरोना वायरस है या फिर इंटरनेट का इश्यू है, टैक्सेस का है, ये सब पे अमेरिका इज बैक टू टेक अ लीड ऑन दैट। ओके, ये एक बड़ा मैसेज ये समिट से मिला। नेक्स्ट इज G7 कमिटमेंट टू डोनेट 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन। इसी से पता चलता है कि यूएस इज बैक, इसमें 1 बिलियन में से 500 मिलियन तक के वैक्सीन तो सिर्फ यूएसए ही देने वाला है, राइट? सो 1 बिलियन जितनी वैक्सीन ये ग्रुपिंग मिलके लोगों को डोनेट करेंगी, नॉट इवन सेल, डोनेट करेंगी टू पुअरर कंट्रीज एंड टू इन्वेस्ट $12 trillion इन देयर कंबाइंड पेंडेमिक रिकवरी प्लान। और 12 trillion तक का रिकवरी प्लान भी बनाया है ये ग्रुपिंग ने मिलके, ठीक है? एंड दूसरा एक बात हुआ अबाउट ओपन सोसाइटीज, जिसके बारे में आज ही हमने फ्रंट पेज पे हेडलाइन देखा। ओपन सोसाइटीज फॉर द G7 आउटरीच एंड द इन्विटेशन टू फेलो डेमोक्रेसीज ऑल्सो लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका आर ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ स्टेटेड कमिटमेंट टू कन्वर्टिंग अ डेमोक्रेसी समिट दिस ईयर। तो डेमोक्रेसी समिट उनको रखना था, डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो बिगेस्ट डेमोक्रेटीज है वर्ल्ड में उन सभी का, तो 7 कंट्रीज तो थे ही, और ये साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को भी इन्वाइट करके इन अ वे डेमोक्रेटिक कंट्रीज का उन्होंने समिट रखा, ऐसा बोल सकते हैं। Even the slogan for G7 was this year. आपको पूछ सकते हैं स्लोगन भी, ये लिख लेना आप लोग। तो G7 समिट किस, कौन सी कंट्रीज है, कौन सी कंट्रीज को इनवाइट किया एज अ मेंबर, G7 समिट किसने होस्ट किया, उसमें क्या क्या हुआ, ये हम बात कर रहे हैं, जैसे कोविड के वैक्सीन देने का, डोनेट करने का प्लान, ओपन सोसाइटीज के बारे में बात हुआ, उसका स्लोगन, थीम क्या था ये समिट का, ये पूछ सकते हैं। बिल्ड बैक बेटर, ये एक उसका स्लोगन था। तो ये दिखा रहा है कि कैसे व्हाइट हाउस, मतलब अमेरिका का प्लान था कि अमेरिका की इकोनॉमी और जॉब रिकवरी प्लान इससे बनाए, अमेरिका ही नहीं सभी कंट्रीज जो ग्रुप 7 में है उसकी। सेकेंड मैसेज, ये पहला मैसेज था, सेकेंड मैसेज था वाज अ कंसेंसस अमंग 7 मेंबर कंट्रीज ऑन काउंटरिंग चाइना, चाइना के अगेंस्ट सेकेंड प्लान था, ये भी एक मैसेज क्लियर था। द फाइनल क्यूके, वो लोग ने डिसाइड किया है कि वो लोग कैसे भी करके कोरोना वायरस कैसे चाइना से आया है इसको ढूंढ के निकालेंगे। तो ये चाइना के अगेंस्ट, चाइना जिस तरीके की पॉलिसीज उसकी है, जिस तरीके से वो डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स हांगकांग में हटा रहा है, ये सारी चीज पे भी उन लोग ने फोकस किया है, ठीक है? तो
4 डायरेक्ट रेफरेंसेस चाइना के तरफ किए हैं उन्होंने, एंड सारे के सारे नेगेटिव। पहले तो क्रिटिसाइज किया बीजिंग को फॉर इट्स राइट्स रिकॉर्ड इन जिनजियांग एंड डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स इन हांगकांग। तो उन्होंने जैसे राइट्स रिकॉर्ड किए जिनजियांग में एंड हांगकांग में, जिस तरीके से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके हांगकांग को स्पेशल स्टेटस से हटा के चाइना में इंक्लूड करने का ट्राई किया है, वो एक चीज इनडायरेक्टली ये किया है। फिर नॉन मार्केट पॉलिसीज जो उनकी हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जिस तरीके की चाइना की ट्रेड प्रैक्टिसेस है हम सभी को पता है, इसके बारे में क्रिटिसाइज किया। देन चाइना का जो चाइना सीज में यूएस के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जापान के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बारे में बात की, ठीक है। एंड फोर्थ चीज डिमांड किया ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इनटू ओरिजिन्स ऑफ कोविड-19 वायरस, कि कोविड-19 वायरस कैसे चाइना से आया, इसके ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। तो 4 मामलों पे चाइना की अगेंस्ट नेगेटिव बात की ये समिट में, ओके। इधर ये दूसरा बात है कि अभी कैसे एडिटर ने ओपिनियन दिया है कि ये एक्सक्लूसिव ना रख के काफी और कंट्रीज को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो ऑन इकोनॉमिक इश्यू ऑल्सो इधर ये बात किया है, EU इज मोर रिप्रेजेंटेटिव यूनिट देन इंडिविजुअल यूरोपियन G7 मेंबर कंट्रीज। तो जर्मनी फ्रांस वगैरह है G7 मेंबर कंट्रीज, बट पूरा यूरोपियन यूनियन को नहीं रखा। होल यूरोपियन यूनियन इज अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव यूनिट देन इंडिविजुअल मेंबर कंट्रीज जो G7 में है, तो वो तरीके से उन सबको भी इंक्लूड करना चाहिए। Finally, the premise like of a group like G7 that is an exclusive club of haves or the best versus the rest. ऐसा ही है ना, rich country versus सारी दूसरी poor country, the best versus rest. तो seems anachronistic in a world that is much more interlinked now and then in 1975. तो ये जी आपको ये भी एक static fact पता चला, आपको लिख लेना है G7 countries कब से ये group बना है, 1975 से। तो तभी इतना इंटरलिंक्ड वर्ल्ड नहीं था, अभी बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है वर्ल्ड। तो ऐसे टाइम पे ज्यादा कंट्रीज को इंक्लूड करना इज अ बेटर ऑप्शन। इंडिया इज अ स्पेशल गेस्ट टू G7 और G8 सिंस 2003। पहले G8 हुआ करता था, चाइना भी उसमें हुआ करता था, अभी नहीं है, ठीक है, अभी G7 हो चुका है। तो 2003 से इंडिया को एज अ मेंबर स्पेशल गेस्ट बुलाती है ऑलवेज समिट में 2003 से। तो ऑल्सो मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंट कोर्स, तो क्यों ना अभी इंडिया को इंक्लूड कर लिया जाए, पर वो लोग नहीं इंक्लूड कर रहे, सिर्फ गेस्ट कंट्री के तौर पर बुलाते हैं ऑलवेज, ओके। इट इज सिग्निफिकेंट दैट G7 आउटरीच कम्युनिक्स दैट इंक्लूडेड द गेस्ट कंट्रीज डिड नॉट मेक द सेम रेफरेंसेज टू चाइना एज द मेन डॉक्यूमेंट। And Ministry of External Affairs officials clarified that Chinese aggression was not raised at outreaches which focused on the pandemic. So mainly China ka aggression hamari country se bhi hamara External Affairs minister ne clear kiya ki China aur India ka jo border issue hai usse idhar raise nahi kiya gaya tha, sirf pandemic, climate change, democratic freedoms in sabhi ke pe hi baat kiya gaya. India ne आज जो हमने फ्रंट पेज पे न्यूज देखा उसके बारे में बात है कि इंडिया ने अपना कंसर्न रेज किया अबाउट ओपन सोसाइटीज थिंग कि ऑथोरिटेरियनिज्म इतना बढ़ रहा है, नेट शटडाउन्स, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड राइट्स वायलेशन, ये एरियाज में मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है काफी बार, ओके, वर्ल्ड लेवल पे। तो अड्रेसिंग सेशन ऑन ओपन सोसाइटी मिस्टर मोदी से इंडिया इज अ नेचुरल एली टू G7, हमने कल भी पढ़ा था ये, इन द प्रेजेंट गवर्नमेंट विल बी एक्सपेक्टेड टू वॉक द टॉक ऑन इट्स कमिटमेंट्स एट G7 आउटरीच एस्पेशली इन द एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन क्लैम्पडाउन गिवन दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन इन 2020। तो मोदी गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि इंडिया G7 का एक नेचुरल एली रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि G7 का जो आउटरीच है इसके कमिटमेंट्स जो है उसको मीट करेगी वो लोग, और G7 के कमिटमेंट्स के साथ साथ इंडिया भी काम करेगा। जबकि इंटरनेट शटडाउन इंडिया में बहुत सारे ज्यादा हुए थे, तो उसका भी स्टेटमेंट दिया जो हमने फ्रंट पेज पर ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ये सारी बातचीत हुई, दिस वॉज द मेन फोकस इन G7 समिट। इसमें बहुत सारे स्टैटिक फैक्ट्स भी आपके कवर हुए, तो मैंने जो जो स्टार मार्क किया है वो सब लिखना है, 1975 वाला क्या उसका थीम था, ये सारी चीज आपको लिखनी है।
सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर. सो आज की एडिटोरियल ये सिक्स पेज से, पेज नंबर सिक्स जो हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पेज है, यही एक न्यूज हमें करने हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था. आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस. अगर आप लोग को समझ में आया तो लाइक बटन जरूर हिट करना गाइज. यू गाइज मोटिवेट मी बाई लाइकिंग दिस सेशन एंड यू कैन मोटिवेट अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो टू ज्वाइन द सेशन बाई लाइकिंग हिटिंग द लाइक बटन. बिकॉज इससे क्या सब लोग को पता चलता है कि कितना सेशन में यूजफुल है. यानी जो लोग डिसलाइक बटन हिट कर रहे हैं इन बिगनिंग ऑफ द सेशन, आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपको इतना फ्री में बहुत अच्छे से नॉलेज दिया जा रहा है, सो व्हाई डोंट यू वैल्यू इट रादर देन यू नो. आई डोंट नो पीपल व्हाट एक्चुअली डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिव इन दिस होल वर्ल्ड, सो इट कीप्स हैपनिंग, दैट्स ओके. ओके नेक्स्ट वन, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के साथ. फॉर्मर तेलंगाना मिनिस्टर, ये आपको लिख लेना है, ये वाला न्यूज में स्टार मार्क कर रही हूँ, ये लिखना है. फॉर्मर तेलंगाना मिनिस्टर इटाला राजेंदर जॉइंस बीजेपी. और ये जो वेटरन लीडर है, ही वाउज दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग बीजेपी इन पावर इन तेलंगाना. तेलंगाना में बीजेपी गवर्नमेंट लेके आएंगे, ऐसा उन्होंने कसम खाया है. ठीक है, सो फॉर्मर तेलंगाना मिनिस्टर जो थे इटाला राजेंदर, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, ये आपको लिख के रखना है. ऑलराइट, ओके बहुत सारे कमेंट्स हैं, एक सेकेंड मैं आंसर दे देती हूँ सबको. अभिषेक इज आस्किंग जेएमआई के लिए कितना करंट अफेयर. सभी एग्जाम्स के लिए 12 महीने का ही करंट अफेयर्स पढ़ना होता है. अभिषेक बता दिया मैंने. मिसाज में मैम लीगल रीजनिंग की क्लास कब होती है? मिस राजपूत, लीगल रीजनिंग वाली क्लास मेरी वेडनेसडेज को होती है, कल होगी 12:30 को. ठीक है, सानवी आस्किंग मैम सम ऑफ द मेजर न्यूज लाइक म्यांमार मिलिट्री कूप, ट्रम्प सेकंड इम्पीचमेंट हैव बीन हेडलाइंस ऑफ जनवरी फरवरी एंड मार्च, कैन दीज बी आज इन करंट अफेयर्स 2022? नो नो, उसके कंटिन्यूएशन जो होंगे ना, मतलब अभी भी उसकी जो अपडेट्स आती है तो वो आपको पूछ सकते हैं. तो इसके लिए आपको मेन टॉपिक पता होनी चाहिए, यू नो. सो आपको मिलिट्री कूप में कैसे सब शुरुआत हुई ये पता है अगर, तो उसकी अपडेट्स फिर आप अच्छे से रख पाओगे, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना चाहिए. तो ऐसे तो मैं सभी सेशंस लेती हूँ आगे के. तो गाइस अभी से आपने अगर अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया है तो आप वो सेशंस भी देखिए, क्योंकि आपको बैकग्राउंड सभी चीज का काम लगेगा ये साल का करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए भी. सरान देश का है मैम, G8 में रशिया था. यस यस माय बैड, मैंने चाइना भूल से बोल दिया, रशिया था. यस G8 में पहले रशिया था, उनको निकाल दिया है. कहीं ना कहीं चाइना के साथ फ्रेंडशिप की वजह से ही हुआ है. कैन यू टेक क्विज ऑन डेली न्यूज़पेपर बिफोर स्टार्टेड सेशन फॉर रिवाइजिंग? चैताली, आई एम डेफिनेटली प्लानिंग ऑन इट, माई टीम इज ऑल्सो ऑन यू नो ऑन इट. हम ये उसके रिगार्डिंग पूरा प्लानिंग और पूरा सेटअप प्लान कर ही रहे. आई एम सॉरी डिले हो रहा है, आपका क्विज मैं कंडक्ट नहीं कर पा रही हूँ, बट जैसे स्टार्ट होगा फिर वो कंटिन्यूस बेसिस में रोज होगा, आपका रोज रिविजन होगा. ठीक है, संजोई इज आस्किंग मैम एट व्हाट टाइम यू स्टार्ट दिस सेशन एवरी डे. आई स्टार्ट दिस सेशन एवरी डे बाय 10:20, 10:15, 10:20 के बीच में. 10:18, 10:19 हो जाता है कभी, 2-4 मिनट आगे पीछे, क्योंकि स्टार्ट करते टाइम कुछ ना कुछ ग्लिचेस कभी आया, इंटरनेट इश्यू कुछ भी, तो थोड़ा टाइम लगता है. बट 10:15 का सेशन है, बाय 10:20 आई स्टार्ट. सिद्धानंद एडिशन टूडे, आज दिल्ली वाला एडिशन है. संजोई मैम न्यूज पेपर रीडिंग सेशन कब स्टार्ट होता है? 10:15. चाइना रशिया दोनों डेमोक्रेटिक नहीं है. यस सानवी, ओके मैम गॉट इट, थैंक यू सो मच फॉर क्विक डाउट सॉल्विंग, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सानवी. चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ. लैंड बॉट इन ट्रांसपेरेंट डील सेज राम टेम्पल ट्रस्ट, ये वाला पहले करना है. तो इधर है ना एलिगेशन लगाए है, आम आदमी पार्टी ने भी लगाया है एंड कांग्रेस ने भी लगाया है बीजेपी के खिलाफ, कि अयोध्या डिस्प्यूट जो था ना, वो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो आ गया है, बट जो लैंड डील किया जा रहा है अयोध्या के राम टेम्पल के लिए, वो लैंड डील में इन्वेस्टिगेशन किया जाए, कांग्रेस का ऐसा बोलना है, बिकॉज उसमें बहुत सारी इलीगैलिटी हो रही है. तो पार्टी ने अलेज किया है, कांग्रेस ने, कि बिग स्कैम इज हैपनिंग इन टेम्पल ट्रस्ट, सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेक नोट ऑफ द मैटर. और कांग्रेस बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके ये चीज को देखना चाहिए अंदर डिटेल में, बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है. सेम चीज आम आदमी पार्टी ने भी बोला है एंड अभी कांग्रेस ने भी बोला है.
जबकि अभी बीजेपी इधर बाजू में ही आप देख सकते हो बीजेपी का क्या बोलना है। बीजेपी बोल रहा है लैंड बॉट इन ट्रांसपेरेंट डील, राम टेम्पल ट्रस्ट ने ये बोला है, नॉट बीजेपी ने बट राम टेम्पल ट्रस्ट ने, जो लैंड बाय किया था वो ट्रांसपेरेंट डील में बाय किया था। हमारे पास उनके ऑफिशियल ने बताया है कि ट्रांसफर ऑफ मनी भी जो हुए है पूरी बैंकिंग चैनल से अच्छे से हुए हैं, वो उसके पेपर वर्क सब कुछ दिखा सकते हैं आपको। सो बिल्कुल भी इसमें कोई स्कैम नहीं है, कोई कैश में डील नहीं हुआ है, सब कुछ बैंकिंग चैनल से हुआ है। तो ये एक चीज है जो हेडलाइन जिसका आपको ध्यान में रखना था। अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज इज दिस, एक मिनट मैं जूम करती हूँ इसको। ओ यार एक सेकेंड ना, सॉरी गाइस। ओके तो आपको ये ध्यान में रखना है, चाइना इंडिया पाकिस्तान एक्सपांडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल, नंबर ऑफ वॉरहेड्स ग्लोबली अपीयर्स टू बी इंक्रीजिंग रिवर्सिंग द अर्लियर ट्रेंड सेज सिप्री रिपोर्ट। तो ये पूरा पार्ट आपको ये लिखना है। हाँ गाइस ये वाला न्यूज आपको लिखने जैसा है। ओके तो चाइना इज द मिडिल इन द मिडिल ऑफ अ सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स न्यूक्लियर वेपन इन्वेंटरी। इंडिया एंड पाकिस्तान में भी एक्सपांड हो रहा है न्यूक्लियर आर्सेनल्स। सो पूरे वर्ल्ड में अभी वॉर लाइक सिचुएशन की तैयारी ज्यादा हो रही है, पहले की ट्रेंड से ये चीजें रिवर्स हो रही है। ठीक है तो सिप्री रिपोर्ट में, सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के ईयर बुक 2021 में जो मंडे को रिलीज हुआ ये चीज लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है तो चाइना इंडिया पाकिस्तान एक्सपांडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल, सिप्री रिपोर्ट में पाया गया है कि ग्लोबली वॉर हेड्स, नंबर ऑफ वॉर हेड्स ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब वो लोग वेपन्स वगैरह तैयारी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इनकी पूरी डिटेल्स आपको दी गई है कि कितने वॉर हेड्स पहले के मुकाबले हर कंट्री में बड़े हैं। इसकी डिटेल्स देखिए ये पैराग्राफ में दी गई है, आपको एक बार रीड करना है। ये पढ़ाने का मतलब नहीं, सिर्फ एक बार देख लेना, ये पार्ट रीड करना। मैं आपको टेलीग्राम पे इसके क्लास के बाद तुरंत शेयर करूंगी ये PDF, तो आप रीड कर लेना ये पार्ट। ठीक है नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज इज दिस, नोवावैक्स अनाउंसेस एफिकेसी ऑफ अबाउट 90% फॉर इट्स वैक्सीन। सो यूएस की ये जो नोवावैक्स करके वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर COVID-19 वैक्सीन की, वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी जो वैक्सीन है 90.4% इफेक्टिव है कोरोना वायरस के अगेंस्ट। इंडिया में SII मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलके पार्टनरशिप करके ये लोग प्रोड्यूस करेंगे इंडिया में ये सेम वैक्सीन। तो ये एक बड़ा न्यूज ध्यान में रखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट वन, यूरोपियन यूनियन ने जो एक रेजोल्यूशन पुट किया है ये स्पॉटलाइट अगेन डालता है श्रीलंका की ह्यूमन राइट्स मतलब ह्यूमन राइट्स के प्रॉब्लम्स जो है। हमने देखा था थोड़े टाइम पहले UNHRC में भी श्रीलंका के अगेंस्ट वोटिंग की गई थी, तो ह्यूमन राइट्स का वहां जो प्रॉब्लम है उस सिचुएशन को वापस एक स्पॉटलाइट उस पर डाला है यूरोपियन यूनियन ने जो रिजोल्यूशन पुट किया है। तो ये क्या रिजोल्यूशन पास करने के लिए पुट किया है यूरोपियन यूनियन ने, बोला है कि उनको देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ। तो यूरोपियन यूनियन ने सजेस्ट किया है टू कंसिडर टेम्पररी विड्रॉल ऑफ GSP स्टेटस गिवन टू श्रीलंका। GSP प्लस स्टेटस क्या होता है, यूएस ने ये निकाला है GSP प्लस स्टेटस की ट्रेड रिलेशन सभी रिच कंट्रीज के साथ अच्छे हो पुअर कंट्रीज के, और उनको उनका इकोनॉमी बिल्ड करने में और पुअर स्टेटस में से डेवलपिंग और डेवलप नेशन में के स्टेटस में वो लोग आ सके, इसके लिए ये GSP प्लस स्टेटस उन कंट्रीज को दिया जाता है। तो यूरोपियन यूनियन कमीशन ने बोला है कि टेम्पररी ये लोग श्रीलंका के पास से GSP प्लस स्टेटस ले लिया जाए, बिकॉज वहां ह्यूमन राइट्स के प्रॉब्लम्स बहुत है, जब तक वो लोग सुधरेंगे नहीं वो सिचुएशन पे तब तक उनका GSP प्लस स्टेटस ले लिया जाए। तो ये चीज यूरोपियन यूनियन रिजोल्यूशन पास करने के लिए रखा है यूरोपियन यूनियन कमीशन ने, तो ये स्पॉटलाइट अगेन डाल रहा है श्रीलंका में ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम चालू है उसके ऊपर। ठीक है सो ये एक दूसरा न्यूज था। दूसरा ये बहुत बड़ा न्यूज है, ये आपको लिखना है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन क्विकन्स टू 6.3%, रूरल एरिया सी शार्पर स्पॉट एंड WPI मतलब होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है ना, होलसेल प्राइस
इंडेक्स इन्फ्लेशन रेसेस टू रिकॉर्ड 12.94% स्पर्ड बाय राइज इन फ्यूल एडिबल ऑयल्स. तो फ्यूल प्राइजेस और एडिबल ऑयल्स की प्राइस में बहुत ज्यादा बढ़ा है. इसके लिए कंज्यूमर इन्फ्लेशन 6.3% जितना बढ़ा है. लास्ट पहले ही फ्रंट पेज पे भी ये न्यूज थी, मैंने वहां नहीं कवर की क्योंकि मुझे इधर करनी थी. लास्ट 6 मंथ्स में ये सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन है इंडिया में, ये आपको ध्यान में रखनी है और लिखनी भी है ये हेडलाइंस. ओके एंड अनदर थिंग इज पीएनबी हाउसिंग एक फाइनेंस डील लेके आ रहा है 4000 करोड़ का. 4000 करोड़ का यूएस बेस्ड एक प्राइवेट इक्विटी फर्म कैरलिल पीएनबी हाउसिंग में पैसा देने वाली है, फाइनेंस करने वाली है. तो ये 4000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट ये डील पे सेबी और आरबीआई की नजर रहेगी. वो लोग रेगुलेटरी, उनका रडार उनके ऊपर रहेगा ही, ये उन्होंने वॉर्न किया है. ठीक है, क्योंकि पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में ऑलरेडी स्कैम हो चुका है आगे. ऑलराइट एंड एक लास्ट न्यूज हम स्पोर्ट्स न्यूज में करेंगे. दो न्यूज है ये वाली. एक नेमार हेडलाइंस ब्राजील इजी विन. तो कोपा अमेरिका में ब्राजील का फुटबॉल में जीत हो चुका है. ठीक है, तो नेमार एक स्टार रहे उसमें, उन्होंने जो पेनल्टी हिट किया था उसके वजह से वो लोग जीत चुके हैं, ये बताया है. एंड अनदर वन ये लिखना है आपको ये वाला. तो ग्रिटी गुकेश विंस गेलफैंड चैलेंज. प्रगनंदा ऑल्सो टाइड फॉर द टॉप स्पोर्ट विद 14 पॉइंट्स फ्रॉम 19 राउंड्स. ये आप लोग लिख लेना, चेस चैंपियनशिप में ये जीत चुके हैं. ठीक है, ये भी आपको लिखना है. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द सेशन. आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज टुडे. आपको जो रीड करने को दिया है उतना थोड़ा पार्ट, 5 मिनट लगेगा आफ्टर सेशन आपको रीड करना है. जो स्टार मार्क किया है वो लिख लेना है बुक्स में. ऑलराइट एंड आ जाइए, मेरी स्पेशल क्लास हो रही है जो फ्री में होती है बिल्कुल भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे. 12:30 to 1:30 करंट अफेयर्स की क्विज है, सभी लोग ज्वाइन कीजिए इसमें, ज्यादा से ज्यादा लोग. February 2021 आज खत्म ही हो रहा है, 26 to 28 February 2021 के करंट अफेयर्स का क्विज करवा रही हूँ. तो आ जाइए 12:30 to 1:30 मेरी क्लास. बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच. ये शुभम 180 रुपीज हो गया मस्टर्ड ऑयल.